सोमवार को पहले चरण की 18 विधानसभा में चुनाव है। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार ने निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू से मतदान की तैयारियों और सुरक्षा संबंधी अन्य मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण का विधानसभा चुनाव होना है। 18 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 190 प्रत्याशी उतर रहे हैं। बस्तर और राजनांदगांव की महत्वपूर्ण सीटें हैं और उन सीटों पर सुरक्षा व्यवस्था और पूरी तरीके से मतदान कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। और हमारे साथ इस वक्त जो है सीईओ सुब्रत साहू जी हैं। सुब्रत जी, क्या लग रहा है, किस तरीके से आप लोग की तैयारी चल रही है? बस्तर में खासकर देखें तो नक्सली हमले वारदात हो रहे हैं, किस तरीके से निपटने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो भी वारदात हैं उसके लिए हमारे सुरक्षा बल जो है वो बिल्कुल पूरी तरह तैनात हैं और सतर्क भी हैं, और जो मैदानी कार्यवाही करनी है उनके द्वारा एसओपी के अंतर्गत की जा रही है। हमारी पूरे कोशिश है, पूरा प्रयास है कि निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में बस्तर डिवीज़न में और राजनांदगांव में फर्स्ट फेज में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा। लगभग 1.25 लाख से ऊपर आर्म्ड फोर्सेस इस इलेक्शन में छत्तीसगढ़ में डिप्लॉय हुए हैं। सर, इस दूसरे चरण के चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है? अच्छी बात है कि महिलाएं ज़्यादा जागरूक हैं बस्तर डिवीज़न में और राजनांदगांव में। उम्मीद है कि वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और मतदान भी करेंगे। महिलाओं के लिए जहाँ पे ज़्यादा मतदाता हैं किसी एक पर्टिकुलर बूथ या सेंटर पे, तो वहाँ हमने एक ऑक्सिलरी बूथ बनाया है और उसको महिला फ्रेंडली बनाया है। उसका नाम हमने रखा है संगवारी मतदान केंद्र। वहाँ पे महिला मतदाता को ही प्राथमिकता के तौर पर वोट करने दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सुब्रत साहू, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि 4336 जो बूथ मतदान केंद्र बनाए हैं वहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो उसके लिए भी जागरूकता अभियान पहले से चलाया गया था। अब देखना होगा कि किस तरीके से कल बस्तर और राजनांदगांव की 18 सीटों पर किस तरीके से कितना परसेंट वोट डल पाता है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC24 रायपुर।